अंकल ऐसे नहीं होगा, आप है ना अंदर जाके पहन के आओ। हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं आया हूँ इधर कृष्णा गारमेंट पे, और जो भी इधर से गुजरेगा गरीब आदमी जिसको कपड़ों की आवश्यकता होगी, मैं आज उनको कपड़े दिलवाऊंगा। अभी 20 मिनट हो गए करीबन, और मुझे नहीं लगता कि किसी को कपड़ों की ज़रूरत है। सब साधारण है, अपने अपने काम से निकले हुए हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कोई आता है तो, कोई भी अभी मेरे को नहीं दिखाई दिया ऐसा। वो अंकल आ रहे हैं ना, उन अंकल को बुलाते हैं। आने तो पास, आने तो अंकल पास आएंगे तो अंकल को बुलाते हैं। चप्पल पहन रखी है, देखो क्या पहन रखा है। अंकल इधर आओ, अरे अंकल इधर आओ, इधर आओ। वो अंकल आ रहे हैं, देखो अंकल को कपड़ों की जरूरत है, देखो चप्पल पहन रखी है। अंकल आओ, क्या नाम है? रामस्वरूप नाम है। क्या करते हो अंकल? मजदूरी। कितने साल के हो गए? 61 साल का। 61 साल के हो गए। मजदूरी क्या काम करते हो? मजदूरी मलदारी करते हो, मतलब है ना वजन उठाते हो? अभी इस उम्र में उठा लेते हो वजन? मुश्किल है, मुश्किल है फिर भी। और देखो आपकी चप्पल पहन रखी है, ऐसे लेडीज चप्पल है? लेडीज मिल जाए जो ही पहन ले, मिल जाए जो ही पहन ले। और अंकल इतने कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ये ऐसे गंदे कपड़े, इधर आओ थोड़ा मेरे पास आओ। सर्दी लगती है ना? सर्दी अभी भी गर्मियों में ही सर्दी लगती है। कल अरे बारिश हुई तो इससे इतना थोड़ा ही है। देखो ये इस तरह से गंदा सा, ये नहीं रखना चाहिए ऐसा, है ना। अच्छे कपड़े दिलाता हूँ आपको, है ना, दिला दूँ पक्का। अरे ये देखो, वो अंदर और पहन रखे हैं ये काम करता हूँ जो खोलता हूँ ना। और ये इसमें क्या डाल रखा है अंकल? इसमें क्या है? पेन और ये है ना, फूल है, माला है। ये हाथ में? हाथ में माला है। अच्छा, जूते पहनाता हूँ और अच्छी सी ड्रेस पहनाता हूँ, है ना। ये लो, सबसे पहले तो आप जूते पहनो, ये आपके साइज के हैं, शायद आ जाएंगे आपके लिए। ये जुराब पहनो, जुराब जुराब पहनो, चप्पल उतार दो, है ना, पैर खराब नहीं होंगे। रोज अब ना धो के, है ना, जुराब पहनना है सुबह, है ना। फिर काम पे जाओ ना तो जुराब वुराब पहन करके। और ये लो, ये अब पेंट है ना, पेंट भी चेंज कर लो, पेन रखता है कुछ नीचे? अभी ये पेंट तो आप बाद में पहन लेना, या तो अंदर जाके पहन के आओ, दुकान में, दुकान के अंदर जाके पहन के आओ, अंदर जाके पहन के आओ, अंदर पहन के आओ, जूते उतार के वापस पेंट वेंट पहन के आना है। अरे अरे ऐसे जूतों के ऊपर नहीं, अंदर चले जाओ दुकान में, दुकान में पहन के आओ। तुम पहन रहे हो? नहीं अंकल ऐसे नहीं होगा, आप है ना अंदर जाके पहन के आओ पेंट उतार के, है ना, अंदर चले जाओ दुकान में पहन के आओ, पहनने की जगह है, है ना। अरे गंदी हो जाएगी, इसको ऊपर उठाओ, अंदर जाके पहन के आओ, चेंज करके आओ। सेठ जी चेंज कराना इनको पेंट है, सेठ जी पेंट चेंज करवाना इनको, अंकल को पेंट चेंज करवाओ, अंदर जाके पहन लो, अंदर अंदर जाओ, अंदर दुकान में। अभी अंकल गए हैं अंदर और ये पेंट चेंज करके आते हैं, देखते हैं अंकल को कैसा लगता है ड्रेस में। पता नहीं है कि इनका वीडियो बन रहा है, मैं सेक्रेटली इनकी हेल्प कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ, बिल्कुल भी इनको पता नहीं है दोस्तों कि मेरा कोई वीडियो बना रहा है। आप वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। उसे तुम्हारे खेल लिया हमारे बहुत ही, मैं तो जूता में ही रिया कर दे, जूता भी रहा कर रहे ना, पग भी खराब बनो है और काम भी कर लो। आ रखो, ये शर्ट चेंज करो, है ना, अंदर ये शर्ट अच्छा लगेगा इनको, इनकी पसंद का शर्ट है, अच्छा सा शर्ट आ जाएगा आपके, आ जाएगा। ये भी उतार दो, नहीं सर्दी लग रही है, हाँ लग रही है सर्दी, वो बनियान है ना अंदर, है ना, घर जाके आराम से यही बनियान रखा करो, बस गर्मी है अभी तो। और
నాలుగు వచ్చేసి అవి కటింగ్ పడవానా ఆగానే కటింగ్ ఓర్ షేవింగ్ ఓడవాలి పదిహేను అంత డబ్బు పేరు అంత డబ్బు आराम से ये आपके पुराने कपड़े ये इसमें डाल देता हूँ पुराने कपड़े नहीं वो ले जाना घर ले जाना आप है ना पुराने कपड़े घर ले जाना दो लेना उनको अच्छी तरीके से दो लेना कैसा लग रहा है पैंट पहन करके अच्छे कपड़े नए कपड़े आज है ना अच्छा लग रहा है आपको ठीक है अभी ये है ना शेविंग और ये बाल कटवा लेना ठीक ढंग से है ना फिर अच्छे लगने लग जाओगी ये भी बंद करो ये मेरा नाम है राम स्वरूप और देवाराम जी इन्होंने मुझे कपड़े पहनाए बहुत अच्छे लग रहे हैं ऐसा सहयोग मुझे कहीं नहीं मिला सहयोग के अंदर देव जी ने मुझे कपड़े पहनाए मैं मजदूरी करने वाला आदमी लेकिन सालों साल मेरी मदद करते हैं अच्छा लग रहा है ना आप ज्यादा कपड़े नहीं पहनोगे ना गर्मियों में ऐसे है ना ये पुराने कपड़े और ये आप है ना किसी थैली में डलवा देता हूँ आपके है ना किसी एक थैली में थैली में चाय अंकल को पिलाओ पहले अंकल को चाय पिलाओ ये गज्जू भाई चाय लेके मार्केट में थैंक यू गज्जू भाई अंकल को भी चाय पिलाओ चाय पिलाओ अब बैठ जाओ अंकल बैठ जाओ आराम से बैठ के पी लो चाय है ना बढ़िया लग रहा है लो अंकल अभी ये थैली में डलवा देता हूँ मैं और ये लो ₹100 आपको कटिंग बनवानी है और सेविंग बनवानी है ये लो अरे ले लो अंकल है ले लो है ना बना लेना कटिंग वटिंग बना लेना दोस्तों अंकल की मदद की मुझे बहुत अच्छा लगा बंदा खुश हुआ दोस्तों वो अंकल मुझे वापस मिल गए और उन्होंने देखो कटिंग भी बनवा ली है सेविंग भी बनवा ली है और एकदम यंग लग रहे हैं देखो पहले सुबह वाले आपने देखा ना कैसे लग रहे थे उसके बाद एकदम टनाटन ये देखो जूते उते आराम से और अब कहते हैं कि रोज़ नहा धो के बढ़िया रहूँगा और सेविंग बनाऊँगा और रोज़ बाज़ार में नहा धो के निकलूँगा कपड़े साफ रखूँगा है ना अंकल कैसा लग रहा है बढ़िया लग रहा है अच्छे हो एकदम है ना आर यू फाइन वेरी गुड वेरी गुड।